हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जोन्स। गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, बिल्कुल सिनेमैटिक लुक में। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड नीचे जाते हैं, यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे पहले जाएंगे हम कलर पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम +6 रखते हैं एंड टिंट की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को हम +10 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम 8 रखते हैं एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, इसे हम +25 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू को हम -100 कर देंगे एंड इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम -52 रखते हैं एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, इसे हम +14 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसे हम -84 रखते हैं एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को कर देंगे -100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम 8 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, इसे हम 30 रखते हैं एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को कर देंगे -100 एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी कर देंगे थोड़ा सा डिक्रीज। ठीक है, तो इसे हम -20 रखते हैं एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रेडिंग के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शैडोज की वैल्यू को हम कुछ इस प्रकार से अपने फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को कुछ इस टाइप से हम मिला देंगे। ठीक है, तो इसकी ह्यू है 219 एंड सेचुरेशन है 26। तो गाइस, यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ ऊपर में डन कर देना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट पे, इस वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, इसे हम 20 रखते हैं एंड इहेज की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, तो इसे हम 4 रखते हैं एंड विनियट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, विनियट की वैल्यू को हम -30 रखते हैं एंड यहाँ से मिड पॉइंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम 40 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, तो इसे हम 21 रखते हैं एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, तो इसे हम 12 रखेंगे। सो गाइस, हमारी फ़ोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिफोर हमारा फ़ोटो ऐसा था एंड आफ्टर ऐसा। सो गाइस, आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर आपको ये एडिटिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फ़ोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।